आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पहले कवर करेंगे? आज हम लोग पहले कवर करेंगे पार्टनरशिप डीड। तो यू कैन गिव हेडिंग ऑन योर कॉपी, पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? ये चर्चा हम थोड़ी सी पहले कर चुके हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर हम पहले भी कर चुके हैं। एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। किसके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट? ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स। तो किसी ने भी आपसे पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, सिंपल शब्दों में तो आप लोगों को पहले ये बोल देना है कि भाई पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन सिर्फ इतना बोल देने से पार्टनरशिप की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, और आपको बताना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट तो है, साथ में इसमें क्या होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस किसके लिए बनाए जाते हैं? पार्टनर्स के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो पूरा का पूरा इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी जाती है ना, सारी की सारी एप्लीकेबल होती है पार्टनर्स लोगों के लिए। तो ये क्या है पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जो रिटन फॉर्म में होता है और पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन पार्टनर बोलो या अमंग पार्टनर बोलो, अगर मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो अमंग जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होगा, ये एग्रीमेंट बनाया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन डाली जाएंगी। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज को लेकर होती है? टर्म्स एंड कंडीशन होती है बेसिकली बिजनेस कैसे करना, ठीक है, प्रॉफिट को कैसे शेयर करना, बिजनेस की पूरी डिटेल्स, एक एक पार्टनर्स की पूरी डिटेल्स, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज, उनके लाइबिलिटीज की डिटेल, कितना उनको ब्याज मिलेगा या ब्याज देना पड़ेगा उसकी डिटेल, मतलब इच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर्ड इन द टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर कोई चीज भूल गए, कोई चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी गई है, तो फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट से वो चीजों को देखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली चीज तो क्या, सबसे पहली चीज पार्टनरशिप डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसे जनरली रिटन फॉर्म में बनाया जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा रिटन ही है, ओरली भी बन सकता है, बट जनरली जनरली रिटन में ही बनाया जाता है। तो पढ़ते हैं हम पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या लिखा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कॉमन है, सभी से है, ये जितने भी अपने थ्योरिटिकल टॉपिक है, ये जैसे कि पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप डीड, फिर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, अगर कोई चीज पार्टनरशिप डीड में न दी हो तो फिर पार्टनरशिप एक्ट, और फिर यहां से तो हमारा न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा, यहां से हमारा मेथड ऑफ कैपिटल से ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों ने थ्योरी पहले इसकी, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज है क्या थ्योरी का, पार्टनरशिप का? सर इसके पहले जो पढ़ा है ना वो पता है, लेकिन अभी जो ये वाले न्यू जो अभी बताए टॉपिक्स वो वाले नहीं पता। अच्छा, पार्टनरशिप डीड वगैरह नहीं हुआ है पहले आप लोगों का ना? मतलब एकदम डिटेल में नहीं हुआ है। ओके चलो ठीक है, इसका मतलब अपने को पढ़ना चाहिए। चलिए तो ठीक है, बढ़ते आगे। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में कंटेन मतलब कुछ लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स के बारे में लिखा गया कि पार्टनरशिप में हम किस तरीके से चीजों को डील करेंगे, किसके बीच में, अमंग द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आपस में, हो सकता है मोर देन टू हो, ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में हो तो हम बोल सकते हैं बिटवीन द पार्टनर, लेकिन अगर बहुत सारे पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है तो हम अमंग द पार्टनर बोलेंगे। तो आप लोगों को अगर डिफाइन करना है एकदम साफ शब्दों में, छोटे से सेंटेंस में, तो आप बोल सकते हो पार्टनरशिप डीड इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बट इस छोटी सी और बड़ी सिंपल सी इसकी मीनिंग है, ठीक है, कि पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट है जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं एग्रीमेंट बनाते हैं अमंग द पार्टनर, उसी को हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है भाई, इसके कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स है? तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाली जाती है। क्या डाली जाती है? टर्म्स एंड कंडीशन। और ये टर्म्स एंड कंडीशन किसे फॉलो करना पड़ता है? सारे पार्टनर्स को।
ऐसा नहीं होता कि ये टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ एक या दो पार्टनर पर अप्लीकेबल होंगी, वो बात अलग है कि माइनर पार्टनर्स के लिए कुछ अलग प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ कुछ बातें होती है माइनर पार्टनर की जो पार्टनरशिप डीड से फॉलो नहीं की जाती, पार्टनरशिप एक्ट से फॉलो की जाती है, ठीक है। लेकिन जितने भी मेजर पार्टनर्स हैं सबके लिए कॉमन बात अप्लाई होंगी जो कहां लिखी हो, पार्टनरशिप डीड में लिखी हो। और ये पार्टनरशिप डीड कैसा हो सकता है, ये एक एग्रीमेंट है और आप लोगों को पता है कि एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न और इन द फॉर्म ऑफ ओरल, बट हमेशा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट्स को। बट व्हेन इट इज रिटर्न इट इज कॉल्ड डीड, लेकिन जब ये रिटर्न फॉर्म में होगा तभी इसे हम क्या कहेंगे, डीड। जो बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड है एक रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द या बिटवीन द पर्सन पार्टनर्स, जिसमें क्या मेंशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत सिंपल सी मीनिंग है, यहां तक क्लियर है क्या बातें, हाँ या ना में जल्दी जवाब दो। चलो फिर आगे क्या बोलता है, द पार्टनरशिप, मैं आगे सेकंड पैरा पढ़ रहा हूं और समझा भी रहा हूं, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट्स कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट ने तो भाई रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल रखा है, पार्टनरशिप एक्ट ने या फिर जो भारत का जो कानून है ये एक्ट है, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप का ऑप्शनल रखा गया है, तो डीड को कौन कंपल्सरीली बना सकता है। पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपल्सरीली नहीं है, किसी के लिए कोई जरूरी नहीं है। ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि आप डीड बनाओ उसके बाद ही आप आगे बिजनेस कर सकते हो, डीड तो हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो फ्यूचर में, इसलिए हम ये डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको कंपल्सरीली पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हम क्यों बनाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता, हम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का क्या ना हो, हमारे बीच में डिस्प्यूट ना हो। अब होता क्या है, अब मैंने पार्टनरशिप बिजनेस तो शुरू कर दिया, पार्टनरशिप बिजनेस तो शुरू कर दिया, बट मेरे पास पार्टनर्स भी है, हम लोग तीन पार्टनर भी है, चलो चार पार्टनर्स है हम लोग, 1, 2, 3, 4। हुआ क्या, पैसे भी सबने बराबर लगाए, पैसे भी सबने बराबर लगाए, अब हो क्या रहा है, एक पार्टनर को ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है। ये कौन सा पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। बाकी ये जो पार्टनर है एक्टिव है बट ये कम मेहनती है, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का ही है, ये थोड़ा सा ढीला ढाला पार्टनर है, आलसी है, ये बहुत ज्यादा तेज है पार्टनर, बहुत तेज हो रहा है ये पार्टनर, ठीक है। ये नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है, और एक डोरमेंट पार्टनर है, मतलब कि मेनली अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोझ इस अकेले के ऊपर आ गया है। क्यों, एक एक्टिव तो है लेकिन वो भी थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का, जो एक्टिव पार्टनर है ये बेचारा सारे काम कर रहा है, तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि इसको लगेगा मैं अकेला ही क्यों काम करूं, सारे लोग बैठ के मस्त मलाई खा रहे हैं, मेहनत मैं करे जा रहा हूं, तो ये झगड़े शुरू कर देगा, ठीक है। झगड़े नहीं, इसका भी पॉइंट वैलिड है ना भाई, तुम बैठ के मलाई खाते जा रहे हो, बेटर है कि जो भी इक्वल ना होते हुए मुझे आप लोग एक काम करो, 40% मुझे दे दो, 20-20% आप लोग रख लो, क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये सब कारण पहले से अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, आगे चल के डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और मोस्टली झगड़े होते हैं किसकी वजह से, प्रॉफिट्स की वजह से। मेन जो झगड़े का कारण होता है वो होता है प्रॉफिट्स, फिर उसके बाद दूसरा झगड़े का कारण होता है एसेट्स, फिर तीसरा झगड़े का कारण होता है डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग या फिर मैनेजमेंट, इनमें तालमेल नहीं बैठते तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, और डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि वो डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। तो इन सारी समस्याओं को सुधारने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है पार्टनरशिप डीड, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पार्टनरशिप डीड। आगे पढ़ते हैं, डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, इट इज ऑलवेज इज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, इसलिए हमेशा हमने क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द ऑल द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। इसे किसके द्वारा साइन किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड का ये आपको दिख रहा है फॉर्मेट है, एक प्रकार से जो स्टैम्प पेपर आता है आपके साइड में स्क्रीन में, ये आपका पार्टनरशिप डीड है,
ठीक है, ये एक स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है। काय पर बनाया जाता है? स्टैम्प पेपर पर। सर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है क्या? बेसिकली यस, मिनिमम वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए। मैक्सिमम फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1000 रुपए पर भी बना सकते हो आप, 500 रुपए पर भी बना सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड्स आप पे करता है कि आप कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाना चाहते हो, बट लीगली 100 रुपीज पे बनाना मैंडेटरी है, उससे कम में नहीं चलेगा। और उसके तो आजकल कम वाले आते भी नहीं है, पहले आते थे 50-50 रुपए के भी स्टैम्प पेपर आते थे, बट नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा आप लोगों को स्टैम्प पेपर पता है ना, देखा है ना आप लोगों ने स्टैम्प पेपर सभी ने? ओके। और आप लोगों ने रेवेन्यू टिकट देखा है क्या? वो 1-1 रुपए की से छोटी छोटी टिकट आती है, रेवेन्यू टिकट। नो सर। ये जनरली पोस्ट ऑफिस में, जब अपन पोस्ट ऑफिस में कोरियर वगैरह करते हैं ना, तब ये रेवेन्यू पोस्टल के ऊपर चिपका रहता है। घर पे कभी कोरियर वगैरह आता होगा ना, तो देखना एक रेवेन्यू टिकट होती है 1 रुपए की। अगर किसी ने देखा है तो अच्छी बात है, बट अगर किसी ने नहीं देखा है ना, तो ये छोटी सी टिकट होती है 1-1 रुपए की, 50 पैसे की, पहले 10-10, 20-20 पैसे की भी आती थी, बट सब बंद हो गई अभी क्योंकि पैसे का चलन खत्म हो गया है। तो अभी 1-1 रुपए की रेवेन्यू टिकट आती है। तो कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है कि सर हमें कागज के टुकड़े पर ये 1-1 रुपए के रेवेन्यू चिपका दे, 100 रेवेन्यू टिकट, ऐसे 1-1 रुपए वाले 100 रेवेन्यू टिकट चिपका दे, तो इसकी स्टैम्प वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 100। तो ऐसा चलेगा क्या? तो यस, ऐसा भी चलेगा। आप आइदर सीधा 100 रुपए का स्टैम्प खरीद के ला लो, उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड लिखो, या फिर आप 1-1 रुपए वाले 100 रेवेन्यू टिकट चिपका दो, मतलब अल्टीमेटली ये भी 100 रुपए वैल्यू का ही आपका स्टैम्प पेपर बन गया। और फिर उसमें लिखना शुरू करो पार्टनरशिप डीड। किसी ने एग्रीमेंट कोर्ट से बनवा के लाया क्या? यहाँ पर नाम वगैरह रहता है, किसके बिहाफ में आप कर रहे हो, यहाँ पर क्या रहता है? नाम वगैरह रहता है। और यहाँ पर वो जो आपका कौन सा ये एग्रीमेंट नंबर कौन सा रहने वाला है आपका, या कौन से नंबर का स्टैम्प पेपर आपका, उसकी पूरी डिटेल्स रहती है, कौन से डेट पर आपने स्टैम्प पेपर लिया, उसकी डिटेल्स रहती है। ओरिजिनल किसी ने देखा है ना? हाँ, तो ओरिजिनल ठीक है, और शायद मेरे पास भी रखा होगा ओरिजिनल वाला, और आपके घर पे भी रखे होंगे, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं हम स्टैम्प पेपर पे उसकी डीलिंग करते हैं। नहीं देखा होगा तो घर पे बोलना पापा या मम्मी को कि हाँ घर पे स्टैम्प पेपर कोई रखा है तो दिखाओ करके। तो बस वो स्टैम्प पेपर होता है, बस इतना फर्क होता है कि अब यहाँ पर हमने अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन डाली है। ये जो डीड है ये हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करता तो प्रॉपर्टी सेल की डिटेल होती, अगर मैं किसी को एडवांस दे रहा हूँ तो एडवांस की डिटेल्स होती, मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी हेडिंग होती है यहाँ पर। तो मैं ये क्या बना रहा हूँ भी, पार्टनरशिप डीड, इसलिए यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा हुआ है, डीड ऑफ पार्टनरशिप। और यहाँ पर एक एक करके पूरे कंटेंट लिखे जाते हैं, जो जो बातें अपने को बताना है, और ये एक ही पेज का नहीं होता, देर आर मल्टीपल पेजेस, हो सकता है दूसरा पेज भी हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जब तक वो डीड पूरी खत्म नहीं होती। और सबसे एंड में जाकर सारे पार्टनर्स की क्या की जाती है, साइन ली जाती है। और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो ये बात तो अभी हम देखेंगे ही, ज्यादा चिंता ना करें, क्या क्या कंटेंट होते हैं हम तो देखेंगे ही अभी सारी बातें। चलो आगे और बढ़ते हैं। एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, मतलब पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स है उनके द्वारा साइन किया जाएगा और इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्टर्ड किया जाएगा बोलने का मतलब ये जो भी नोटरी होता है, नोटरी से इसको एफिडेविट करवाया जाता है। नोटरी सबको मालूम है क्या कौन होता है? नोटरी वर्ड सुना है क्या आपने? नो सर। ये एक प्रकार से लॉयर का छोटा वर्जन है, छोटा भीम, ठीक है, लॉयर का ये छोटा वर्जन है, एडवोकेट का छोटा वर्जन है, लॉयर एडवोकेट का ये छोटा वर्जन है। जितने भी स्टैम्प पेपर्स होते हैं, जितने भी स्टैम्प पेपर होते हैं, उनको अगर आपको लीगल तरीके से रखना है, क्योंकि सिर्फ 100 रुपए का पूरा स्टैम्प पेपर ला दिए, टर्म्स लिख दिए, साइन करवा दिए, तो ये इन्फोर्स नहीं हुआ है अभी, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। रजिस्टर्ड करने के लिए इसके ऊपर किसी अथॉरिटी के भी साइन होनी चाहिए, किसी अथॉरिटी ने इसको अप्रूव्ड करना चाहिए, तो वो अथॉरिटी होती है नोटरी पब्लिक। एक व्यक्ति होता है जिसके डेजिग्नेशन का नाम है नोटरी, ठीक है, तो वो नोटरी पर्सन क्या करता है, अपने स्टैम्प्स वगैरह लगाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे जो सील थिक्का मिलती है रेड कलर की होती है जनरली, है बट जरूरी नहीं हमेशा रेड हो, बट मोस्टली रेड कलर में ही मिलते हैं। तो वो यहाँ पर एक अपना क्या बोलते हैं स्टैम्प्स वगैरह लगाता है और वो वेरीफाइड करता है जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। और ऐसा वो अपने उनके पास एक डायरी होती है, जो नोटरी पब्लिक होता है ना
उनके पास एक डायरी होती है, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें वो आपका नाम लिखेंगे, आपका स्टैम्प पेपर का नंबर लिखेंगे और आप कौन से डेट पर ये एग्रीमेंट कर रहे हो वो डेट लिखेंगे, बकायदा वहां डेट वगैरह होती है, और आपके साइन ले लेंगे। अब सर पार्टनर्स है तो पार्टनर्स में किस किस की साइन लेगा वो, तो पार्टनर्स में कोई एक मेन ऑथोराइज पर्सन के साइन लेगा, ठीक है। और अगर मल्टीपल लोगों का करना है तो फिर वो मल्टीपल पार्टनर्स के नाम से बनाएगा और मल्टीपल पार्टनर्स के इंडिविजुअली साइन लेगा। तो इस तरीके से ये कि उनके पास रजिस्टर रहता है, ये रजिस्टर्ड में क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है कि इस एग्रीमेंट को लीगली क्या कर दिया गया है, अब रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप डीड का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड किया जाता है पार्टनरशिप डीड को। समझा क्या, रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है एक नोटरी पब्लिक के पास? पहले पार्टनरशिप डीड पूरी तरीके से रेडी कर ली जाएंगे। अच्छा, रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पार्टनरशिप डीड कौन बनाता है? भाई पार्टनर्स मिलकर आपस में बनाते हैं, लेकिन आज के जमाने में पता है क्या, पार्टनर्स लोगों को ये भी नहीं समझता कि डीड कैसे बनाना चाहिए, तो इसके लिए भी वो लोग जाते हैं सीए के पास, जाते हैं सीएस के पास, ठीक है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, या तो कंपनी सेक्रेटरी के पास जाएंगे, नहीं तो फिर किसी लॉयर या फिर एडवोकेट को बोलेंगे कि भाई, या फिर किसी नोटरी ऑफिसर को बोलेंगे कि एक काम करो हमारे बिहाफ में डीड बना के दो, क्योंकि उनको डीड बनाते नहीं आता पार्टनर्स लोगों को। तो फिर जो भी लीगल एक्सपर्ट होता है वो उनको ये डीड बनाकर देता है, उसके बदले चार्ज करता है। जैसे हम लोगों से कोई अगर आता है पार्टनरशिप डीड बनवाने के लिए, आते हैं हमारे पास भी क्लाइंट्स वगैरह, ठीक है, तो डिपेंड करता है वो कैसे टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से किसी से 1000 रुपीज फीस, किसी से 2000 रुपीज फीस, किसी से 5000 रुपीज फीस, एक एक डीड बनाने के हम ये फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। और डीड बनाने में समय कितना लगता है, पुराना फॉर्मेट हमारे पास होता है, बड़े मुश्किल से, वह मुश्किल से ये एक घंटा खाता है तो खाता है। जितनी बड़ी पार्टी उतनी ज्यादा फीस, जितने ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन उतनी ज्यादा फीस। समटाइम इट मे बी 10,000, 50,000 एंड समटाइम इट विल बी 1 लाख अप टू 1-1 लाख रुपए तक पार्टनरशिप डीड बनाने के पैसे लिए जाते हैं, फीस है ये, ठीक है। तो रजिस्टर्ड, अच्छा, बनाने की, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पार्टनर्स की। अब किसी और से बना रहा है वो उसकी गलती, लेकिन मेन जो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की होती है। अब वो किससे बनवा रहा है, क्या कर रहा है, वो पार्टनर देखते बैठे, तो पार्टनर्स को बनाने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो, तो एंड द रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट पार्टनरशिप डीड कंटेन द रूल्स अंडर द रेगुलेशन। पार्टनरशिप के जितने भी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि एमसीक्यूज में आता है कि पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन कहां दिए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में दिए जाते हैं। दूसरा आपको ये बताना, दूसरा एमसीक्यूज ये पूछ सकता है कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप में, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप में, उसे क्या कहा जाता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। और सिर्फ डीड मतलब क्या होता है, जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे डीड कहा जाता है, जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे डीड कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे है फ्रेम फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। और ये भी सवाल पूछ सकता है कि ये जो पार्टनरशिप डीड है ये क्यों बनाए जाते हैं, भाई ये इंटरनल, बाहर वालों से लेना देना नहीं है पार्टनरशिप डीड को, बाहर वाला कोई थर्ड पार्टी आकर क्या नहीं करेगा, ये पार्टनरशिप डीड नहीं मांगेगा आपसे। जैसे आप लोग कंपनी से उसका एमओए या फिर एओए की इंक्वायरी कर सकते हो ना, क्योंकि ये पब्लिक के लिए बनी हुई है, लेकिन पार्टनरशिप डीड पब्लिक के लिए नहीं है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इसलिए पब्लिक नहीं मांग सकती पार्टनरशिप डीड की, लाओ लाओ हमें पार्टनरशिप डीड दिखाओ, हमें देखना है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है क्या आप लोगों ने, मेमोरेंडम आर्टिकल एसपी, यस सर। तो जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं ना, क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए जाते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे सब पार्टनरशिप डीड के अंदर होंगे, और इस पार्टनरशिप डीड को ही हम आर्टिकल ऑफ क्या भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। समझ में आई क्या इतनी बातें, जवाब दे दीजिए हाँ या ना में। चलो अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो भाई क्या क्या चीजें पार्टनरशिप के अंदर, इस डीड के अंदर लिखी जाती है। तो सबसे पहला इसके अंदर लिखा जाता है एड्रेस, किसका, फर्म का। और क्या लिखा जाता है, नेम, किसका, फर्म का, फर्म मतलब ही बिजनेस का।
तो सबसे पहला चलो मैं आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर बनाते हुए भी चल रहा हूँ। सर क्या बनाते हुए चल रहे हो? पार्टनरशिप डीड। ठीक है बताओ तो हम किसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाएंगे? कोई भी किसका पार्टनरशिप डीड बनाए? कोई भी बिजनेस। चलो सर एक काम करो आप हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का बना के दिखा दो। सर सर एक काम करो ना सर आप हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का अपनी फैमिली का बना के दिखाओ। मतलब कि सर कॉमर्स एकेडमी का पार्टनरशिप डीड बना के दिखाओ। चलो ठीक है हम कॉमर्स एकेडमी का पार्टनरशिप डीड बनाते हुए चलते हैं। ये हमारा सपोज करो स्टैम्प पेपर है। क्या है हमारे पास? ये स्टैम्प पेपर है। यहाँ पर ऊपर वाला जितना पोर्शन है समझ जाओ कि स्टैम्प पेपर से रिलेटेड है। ठीक है ये मेरा क्या है? डीड ऑफ पार्टनरशिप। डीड ऑफ पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें कंटेंट रहेंगी? मतलब क्या क्या चीजें रहेंगी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर किसका नाम बताना पड़ेगा? अपने बिजनेस का नाम बताना पड़ेगा। आपके जो बिजनेस का नाम है आपके फर्म का नाम क्या है? जैसे हमारे फर्म का नाम क्या है, हमारे बिजनेस का नाम क्या है? CA कॉमर्स अकेडमी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है एड्रेस देना पड़ेगा आपको। ठीक तो सबसे पहले हम एक पार्टनरशिप में क्या करना है? पार्टनरशिप का नाम उसका एड्रेस देना है। किसका? फर्म का, पार्टनर का नहीं। पार्टनर का भी लगेगा, पार्टनर के भी डिटेल और सारी चीजें लगेंगी, बट पहले हमें अपने बिजनेस की डिटेल देना है। दूसरा फिर हमें पार्टनर्स की भी डिटेल देना है। फिर यहाँ पर हम शुरू करेंगे। अब एक एक पार्टनर का हम नाम लिखेंगे, 1 2 3 जितने भी मेरे पार्टनर्स है 4, सारे पार्टनर्स का क्या करेंगे हम? नाम लिखेंगे। नाम के साथ साथ उनका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के साथ साथ उनके फादर का नाम लिखेंगे। क्योंकि देखो अपने भारत में किसी भी पर्सन की पहचान उसके पिताजी के नाम के साथ होती है, इसलिए हम पार्टनर का इंडिविजुअल नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, साथ साथ उसका वो किसका बच्चा है, बोलने का मतलब उनके फादर का नाम भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है तो ये बेसिक कंटेंट रहेगा। फिर उसके बाद ये कितने पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की डिटेल्स आ जाएंगी, जितने भी पार्टनर्स होंगे 1 2 3 मैक्स टू मैक्स कितने पार्टनर्स? मैक्स टू मैक्स मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। उससे ज्यादा पार्टनर्स इस डीड में नहीं आ सकते क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बोलने का मतलब है कितने समय तक के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो अगर कोई होता है कि भाई मैं तो 10 साल के लिए आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, कोई कहेगा कि मैं तो सिर्फ 2 साल के लिए आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, कोई कहेगा कि जब तक ये फर्म चल रही है टिल द डिसोल्यूशन हम बिजनेस साथ में करेंगे। तो यहाँ पर उनको अपना पीरियड 10 ईयर पीरियड भी बताना पड़ता है कि वो कितने साल तक पार्टनरशिप इस एग्रीमेंट के लिए रेडी है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट कंटेंट क्या होता है? यहाँ पर जो नेक्स्ट कंटेंट होता है वो होता है उनका कैपिटल, किसने कितना पैसा लगाया है और आगे चल के कौन कितना पैसा लगा सकता है। ठीक है नेक्स्ट क्या होता है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। पहला कंटेंट हो गया हमने फर्म की डिटेल्स डाल दी। पहला कंटेंट क्या था हमारा? फर्म की डिटेल डाल दी, फर्म का एड्रेस डाल दिया। दूसरा कंटेंट क्या देखा हमने? पार्टनर्स की डिटेल, उसका एड्रेस, उसके फादर का नेम, उसके अलावा वो कितने 10 ईयर के लिए काम करना चाहता है। अभी हम तीसरा कंटेंट क्या देख रहे हैं? तीसरे कंटेंट में हम बात कर रहे हैं अभी कि कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितना कितना पार्टनर पैसे लगाने वाला है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसकी डिटेल्स भी कहाँ होती है? पार्टनरशिप डीड में। सारे पार्टनर्स का 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर हो गए सबके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा ये कितना प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे आपस में, रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड। तो इनका चौथा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का रेशियो क्या है, चौथा कंटेंट क्या रहेगा, ये किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना ये शेयर करने वाले, उसका रेशियो मेंशन करेंगे ये लोग कि भाई ये पार्टनर को 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इस तरीके से जो भी उनका XYZ रेशियो रहेगा वो रेशियो वो डिसाइड करेंगे। उसके अलावा ये अपने राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, मतलब कौन कौन से पार्टनर को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिकली किसी पार्टनर को कुछ स्पेसिफिक राइट्स है तो उनके नाम से दिया जाएगा। अगर जनरल राइट्स होंगे, सारे पार्टनर्स को अगर राइट्स कॉमन होंगे तो सिर्फ राइट्स लिख दिया जाएगा, किसी इंडिविजुअल पार्टनर के नेम से मेंशन नहीं होगा। लेकिन हमने किसी स्पेसिफिकली पार्टनर को बोला है, मैंने मिस्टर एक्स को बोला है, एक पावर दिया है कि जितने भी चेक
इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी बैंक में चेक इशू करना है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर एक्स कर सकता है, तो फिर पार्टनर वाई या पार्टनर जेड क्या नहीं कर सकते, चेक इशू नहीं कर सकते। जब भी चेक इशू करना होगा तो एक्स की ही साइन लगेंगी। अगर हमने ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन डाल दिया, अगर हमने ऐसे स्पेसिफिक क्या कर दिया, राइट्स दे दिए किसी को, तो ये चीजें भी कहां मेंशन करनी पड़ती है, ये चीजें भी हमें मेंशन करनी पड़ती है पार्टनरशिप डीड में। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर नया आ गया, ये बात हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग चैप्टर आगे शुरू करेंगे, हमारे आने वाले तीसरे चौथे पांचवें चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, तो जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाती है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाती है। तो किसी पार्टनर के आने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, किसी के जाने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज भी कहां दी जाती है, पार्टनरशिप डीड में। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इससे रिलेटेड प्रोविजंस अगर कोई आपको देने हैं तो वो भी पार्टनरशिप डीड में दिया जाएगा। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये पार्टनर्स लोगों ने धंधा में पैसा लगाया ना, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उस कैपिटल के ऊपर इन्हें कितना ब्याज मिलेगा। अगर ये सपोज पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना भूल गए, पार्टनरशिप डीड में ये कैपिटल लोन या ड्रॉइंग पर भूल गए देना, तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट 6% कहता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 6% का ब्याज दे दो। पढ़ेंगे जब, ये बात भी हम पढ़ेंगे आगे कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तब क्या करना चाहिए, वो भी चीजें हमें आगे सीखना है। अच्छा, उसके अलावा सैलरी कमीशन या फिर रेमुनरेशन कितना देना चाहिए किसी पार्टनर को, क्योंकि देखो जो पार्टनर एक्टिवली काम करता है, जब थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना, तो कोई पार्टनर अगर एक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिव है, कोई पार्टनर डॉर्मेंट है, स्लीपिंग है या फिर नॉमिनल है, भाई वो तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है उसको शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो एज अ एम्प्लॉय कैपेसिटी में काम भी तो कर रहा है, दौड़ भाग भी तो कर रहा है, अपना पूरा समय भी तो दे रहा है, तो इसके लिए इसको अलग से सैलरी भी दी जाती है, सैलरी या फिर ये कुछ काम कर रहा है एजेंट कैपेसिटी में, इसलिए इसे कमीशन भी दिया जाता है। अगर ये कोई काम एजेंट कैपेसिटी में कर रहा है तो इसे क्या भी दिया जाता है, कमीशन, या ये इन द एम्प्लॉय कैपेसिटी कोई काम कर रहा है तो इसे सैलरी भी मिलता है, या फिर ये एज अ प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहा है तो इसे रेमुनरेशन भी मिलता है। तो ये सारी चीजें भी कहां लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। उसके अलावा अगर फर्म कभी डिसॉल्व हो गई, अगर कभी हमारा बिजनेस बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो फिर सेटलमेंट कैसे करना, अगर हमारा बिजनेस क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो हमने सेटलमेंट कैसे करना, हमने पॉइंट सेटलमेंट से रिलेटेड भी डिस्कस करने होते हैं। सेटलमेंट मतलब पार्टनर्स के अकाउंट को कैसे सेटल किया जाए, उनको कैसा हिसाब किया जाए, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट्स को कैसे सेटल्ड किया जाए, सेटल्ड का मतलब भी क्या होता है, उनका हिसाब कैसे किया जाए, क्योंकि अब पार्टनरशिप तो बंद हो गई ना, अब फर्म तो बंद, और अगर फर्म बंद तो फिर जो बचे पार्टनर्स का पेमेंट है वो कैसे दिया जाएगा, किस मोड से दिया जाएगा, ठीक है, कोई एसेट्स ले जाएगा नहीं ले जाएगा, वो सारी बातें कहां दी जाती है, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर उस सिचुएशन में हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। मेथड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, कौन सी मेथड से सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे हाईएस्ट कैपिटल मेथड से करेंगे, हाईएस्ट कैपिटल मेथड से करेंगे, या लोवेस्ट कैपिटल मेथड से करेंगे, या फिर एवरेज कैपिटल मेथड से करेंगे, ये सब मेथड अभी आप लोगों को है नहीं, ठीक है। सीए इंटर में आना, ग्रुप टू में आना, सीए इंटर के ग्रुप टू में पूरे मेथड के ऊपर अकाउंटिंग होती है, अभी बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। सीए इंटर में ग्रुप टू में आप लोगों को जो सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, तो एडवांस अकाउंट वाले सिलेबस में आपको ये चीज है, तो अभी ज्यादा इसका चिंता ना करो, बस इतना समझ लो कि जो डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म्स को बंद किए जाते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल को सेटल्ड किया जाता है, पार्टनर्स को कितना पैसा देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, उसके लिए भी मेथड्स बनी हुई है, तो वो मेथड्स भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं। और उसके अलावा एनी अदर और भी कोई स्पेसिफिकली मैटर्स लिखने हैं अपने को, हमें कोई भी स्पेसिफिकली मैथड्स लिखने हैं, जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स चाहता है कि अगर किसी कारणवश मैं बिजनेस में पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सका तो मेरे बेटे मिस्टर आर को पार्टनर बना लेना,
तो अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो एक्स के जाने के बाद आर को बाकी पार्टनर के कंसेंट से क्या कर लिया जाएगा, पार्टनर बना लिया जाएगा। और भी ऐसी कोई स्पेसिफिकली कंडीशंस जो वो चाहते हैं पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना, सो दे कैन प्रोसीड, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ कंटेंट पढ़े किसके, पार्टनरशिप के। हमने कुछ कंटेंट पढ़े पार्टनरशिप के, मुझे बताइए ये कंटेंट में कोई डाउट है क्या आप लोगों को, कोई भी पॉइंट ऐसा जिसमें आप लोगों को डाउट हो, अदरवाइज हम बातें आगे की करेंगे। प्लीज एक बार बता दीजिए। सर नहीं है डाउट किसी को भी, क्या क्या कंटेंट होते एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम किसका, फर्म का, ठीक है, एड्रेस किसका, फर्म का। नाइन्थ और इलेवेंथ वाला फिर से समझा दीजिए। नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ वाला एक बार फिर से, बिल्कुल एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले रिपीट कर देता हूँ फिर आगे पढ़ेंगे। चलो ये देखो, मैं एट से रिपीट कर देता हूँ, एट नाइन टेंथ, ठीक है। एट्थ में क्या करना है अपने को, जो भी पार्टनर काम कर रहा है उसको सैलरी प्रोवाइड करना है, जो भी एक्टिव पार्टनर है उसे सैलरी देना है अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहा है। अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट काम कर रहा है तो उसे कमीशन देना पड़ेगा, और अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल काम कर रहा है तो उसे रेमुनरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये बातें कहां पर लिखी जाएंगी, पार्टनरशिप डीड में, कि सैलरी कितनी मंथली दू मैं, 20,000 रुपए मंथली दू, 30,000 रुपए मंथली दू, या 50,000 मंथली दू, या 1,00,000 मंथली दू। कमीशन भी कितना, 2% दू, 5% दू, 10% दू, सेल के ऊपर दू, या ओवरऑल परचेज के ऊपर दू, या प्रॉफिट के ऊपर दू, काय के ऊपर कमीशन दू, ये चीज भी डिसाइड की जाएगी। रेमुनरेशन कितना दू, अमाउंट में दू या परसेंटेज में दू, और दू तो कितना दू, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है और मेंशन की जाती है पार्टनरशिप डीड में। फिर है नौवां पॉइंट, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है कि हम जब भी पार्टनरशिप फर्म क्या होंगी, डिसॉल्व होंगी, मतलब वाइंड अप होंगी, बंद होंगी, तो वाइंड अप के समय हमें हिसाब करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स के साथ बैठ के, क्योंकि अब हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है ना, वाइंड अप हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो जब भी मेरा बिजनेस डिसॉल्व होगा तो मैं अपने पार्टनर्स के अकाउंट्स, अपने क्रेडिटर्स, देखो वाइंड अप में सिर्फ पार्टनर्स नहीं आते, बाहर के लोग जो क्रेडिटर्स है जिनसे हमने उधारी लिया है, बैंक यानी मेरे जितने भी अकाउंट्स है, मेरे सारे एसेट्स, मतलब जितने भी मेरे अकाउंट्स है, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो उनको क्लोज कैसे करना है, बैंक बैलेंस को कैसे क्लोज करना है, एसेट्स को कैसे क्लोज करना है, क्रेडिटर को कैसे क्लोज करना है। और एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, कभी भी डिसोल्यूशन के समय, कभी भी डिसोल्यूशन के समय इन लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट टू आउटसाइडर्स, क्योंकि कभी भी सबसे पहले बाहर वाले को पैसा दिया जाता है, तो इन लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें इनके पास कितने पैसे अवेलेबल है या कितने पैसे आए वो, और कितने पैसे आउटसाइडर को दे रहे हैं वो, ठीक है। और इसके बेसिस पर सपोज इनके पास टोटल 1,000 लाख रुपीज है, 1,000 लाख रुपए है इनके पास, ठीक है। सर सीधा सीधा बोल दो ना कितना होगा, ये 100 लाख का 1 करोड़ होता है, मतलब 10 करोड़ रुपीज है इनके पास सीधा सीधा, ठीक है। तो इनको बाहर वाले को पेमेंट करना है, सपोज बैंक लोन उधारी था इनके ऊपर, क्रेडिटर थे, या फिर और भी इन्होंने आउटसाइडर से उधार पेमेंट लिया है, बोरोड किया है, तो सपोज इन्होंने सबको मिलाकर 6 करोड़ रुपए बांट दिए, मतलब बाहर वाले को देने थे, तो बचे हुए 4 करोड़ अब किस में बटेंगे, पार्टनर्स में। तो इसको किस तरीके से सेटल्ड करना है, ये बात भी कहां दी जाती है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। उसके अलावा ये जो सेटलमेंट होगा, जो मैंने भी आपको प्रोसेस बताया ना अकाउंट सेटल्ड करने की, तो ये कौन सी मेथड से होगा, ये जो पार्टनर्स को पैसे दिए जाएंगे इसमें भी अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल्ड किया जाता है। बोलने का मतलब पार्टनर्स को जो पैसा देना है ना 4 करोड़ रुपए, सपोज 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में कैसे बटेगा, उनके कैपिटल के हिसाब से बटेगा, या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बटेगा, या फिर जो मेथड होती है हाईएस्ट कैपिटल मेथड, लोवेस्ट कैपिटल मेथड, या फिर एवरेज कैपिटल मेथड, उसके बेसिस पर बटेगा। तो ये कैपिटल पर इनको पैसे कैसे बांटने हैं डिसोल्यूशन के समय पर, डिस्प्यूट के समय पर, वो पॉइंट भी हम कहां पे मेंशन कर देते हैं, पार्टनरशिप डीड में। और
एनी अदर मैटर, और कुछ भी अगर मैटर्स और भी आपको अलग से स्पेसिफिकली देने हैं जो कि ऊपर के 10 पॉइंट में कवर नहीं होते, इसके अलावा कोई भी आप और भी टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि कोई भी पार्टनर 1 वीक से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, नॉट मोर देन 1 वीक, ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक कंडीशन हो गई। कोई भी पार्टनर पर्सनल मतलब प्रॉपर्टी को पर्सनली यूज नहीं कर सकता, या ये कॉमन कार है इसका कोई भी पर्सनल भी यूज कर सकता है, मतलब जो भी आपको लगता है कंडीशन पार्टनरशिप के लिए बनानी चाहिए वो आप स्पेसिफिक कंडीशन भी मेंशन कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि 11 पॉइंट हो, ये 100 पॉइंट भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में ये 100 पॉइंट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स आप कैसे कैसे कंडीशन बना रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंडीशंस बना रहे हो। अभी समझा? ओके अभी हमारा 1 मिनट में क्लास एंड हो जाएगा, तो इसके बाद कंटिन्यू करना है ना क्लास सेकेंड आज की।